हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है सिग्नल आइसोलेटर। तो बेसिकली तीन चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज एप्लीकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और क्या क्या कनेक्शंस होते हैं सिग्नल आइसोलेटर में। सो स्टार्ट करते हैं। जनरली आप किसी भी कंपनी का, किसी भी मेक का सिग्नल आइसोलेटर को देखेंगे तो उन सब का वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो इस वीडियो में एज अ रेफरेंस मैंने मैसिबस मेक का सिग्नल आइसोलेटर यूज़ किया है और उसका मॉडल नंबर है 9000U। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिग्नल आइसोलेटर के फीचर्स पे। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल एसी बार डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई। नेक्स्ट फ्रंट कैलिब्रेशन फैसिलिटी है इसमें। उसके बाद है सिग्नल आइसोलेटर डुअल आउटपुट विथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्री पोर्ट आइसोलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी एक्सेलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जनरली उसके जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है बिल्ट इन ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। ये पॉइंट हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन पे। तो बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक यूज़ सिग्नल आइसोलेटर का है टू सेफ गार्ड वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करेंट फील्ड सिग्नल्स। दैट मीन जो भी फील्ड सिग्नल हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहे हैं उनका वैल्यू ड्रॉप होता है, तो बाई यूजिंग दिस सिग्नल आइसोलेटर उस वैल्यू को हम लोग वापस से एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड इन ऑटोमेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ आइसोलेटर। तो सबसे पहला है इनकमिंग पावर सप्लाई या फिर ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। उसके बाद है सेकंड इनपुट सिग्नल कनेक्शन, इनपुट सिग्नल पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आउटपुट सिग्नल कनेक्शन या फिर आउटपुट सिग्नल पॉइंट्स, यहाँ पे दो है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है आउटपुट जीरो बार स्पैन स्विचेस। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट है टी पी एस सप्लाई पॉइंट। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड से। आते हैं पहले पॉइंट पे, दैट इज इनकमिंग पावर सप्लाई। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था फीचर्स में कि यूनिवर्सल इन नेचर होता है, दैट इज एसी या फिर डीसी दोनों पावर सप्लाई हम दे सकते हैं। तो एसी अगर आप दे रहे हैं तो दैट इस पर्टिकुलर आइसोलेटर के केस में 85 से लेकर 265 वोल्ट है एंड डीसी इज 100 फ्रॉम 300 वोल्ट्स। तो पोर्ट नंबर 1, 2 एंड 3 एसी केस में 1, 2 यूज़ करेंगे और थर्ड हमेशा ग्राउंड रहेगा। नेक्स्ट है इनपुट सिग्नल। तो आइसोलेटर एक वाइड रेंज ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल्स को सपोर्ट करता है, ऑफर करता है, और ये सिग्नल जनरली मिली एम्प्स या फिर वोल्टेज के टर्म्स में रहते हैं। सो पोर्ट नंबर 8 एंड 9 इस जगह पे इनकमिंग केबल कनेक्ट किया जाता है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान रखिएगा बिकॉज इनकमिंग सिग्नल जनरली इन द फॉर्म ऑफ डीसी होते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनपुट को जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया मिली एम्स है, तो दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 20 मिली एम्स या फिर 4 to 20 मिली एम्स एंड वोल्टेज इज 1 to 5 वोल्ट या फिर 0 to 10 वोल्ट। इनपुट के बाद बात कर लेते हैं आउटपुट पे। तो ये पर्टिकुलर सिग्नल आइसोलेटर सिंगल आउटपुट या फिर डुअल आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है एंड पोर्ट नंबर 13, 14 इज फॉर वन आउटपुट एंड 17, 18 इज फॉर अनदर आउटपुट। यहाँ पे भी टर्मिनेशन करते समय पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। और दो आउटपुट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप अगर लोकल से यूज़ कर लोकल में यूज़ करना चाहते हैं आउटपुट को लाइक इन पैनल, तो वहाँ पे एक पार्ट वो यूज़ कर सकते हैं और जो दूसरा पोर्ट है उस चीज़ को आप रिमोट या फिर पीएलसी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो एंड स्पैन एडजस्टमेंट नॉब्स। तो सिंस फील्ड सिग्नल का वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैनल और एक्चुअल जो इक्विपमेंट है साइट पे जो रहता है, सो जो भी इनकमिंग में वैल्यू ड्रॉप हुआ है उस वैल्यू को हम लोग कंपनसेट करते हैं आउटपुट में विद द हेल्प ऑफ जित दीज जीरो एंड स्पैन नॉब्स। तो इसका वर्किंग कैसे होता है वो मैं अगले वीडियो में प्रॉपरली बता दूंगा कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे उसको रोटेट करके जो भी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मिली एम्स या वोल्टेज उसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीपीएस, दैट इज ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। तो जस्ट इमेजिन कीजिए एक इक्विपमेंट को आपको इंस्टॉल करना है फील्ड में, ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करना है और उसका वोल्टेज है, इनकमिंग वोल्टेज है दैट इज 24 वोल्ट DC। तो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल आइसोलेटर उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर को हम लोग सप्लाई भी दे सकते हैं और उसका जो आउटपुट होगा 4 to 20 मिली एम्स उसको एज एन इनपुट हम लोग सिग्नल आइसोलेटर में यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई देने के लिए पोर्ट है 6 एंड 7 और पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान रखना है बिकॉज डीसी पावर सप्लाई हम लोग पर्टिकुलर ट्रांसमीटर को प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड आगे आने वाली वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर का कैसे कनेक्शन होता है, स्पैन एंड जीरो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.